Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. आप सबका इस Sathology के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. आज हम लोग एक टॉपिक जो लेके चल रहे हैं वो मेरा बहुत पुरानी इच्छा थी करने की और मैं करता भी रहता हूँ, मेरे कोर्सेज में भी बोलता रहता हूँ, लेकिन आज हम उसका दार्शनिक पर्सपेक्टिव सुनेंगे और आत्मा परमात्मा का विषय. बहुत भागवत पुराण में लिखा गया है परमात्मा और आत्मा एक ही जगह बैठते हैं, जैसे पेड़ की डाली में बैठे हुए हैं. आत्मा अपने कार्य करती है, जो कर्म उसको होते हैं करती है, और परमात्मा उसको सिर्फ देखती है. और भगवत गीता में जगह जगह लिखा हुआ है बहुत बार, न तो एवाहम जातु नासम न तम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्यम न सर्वे वयम अतः परम. आज हम इसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी के साथ. So without delay, let us welcome him. Namaste and welcome to the show, Rameshwar ji. आपको मेरी आवाज आ रही थी? नमस्ते. हाँ आ रही, लेकिन जरा ढीप ही आ रही. मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है क्या? ये आवाज एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है. एक्चुअली मैं पूरा देख रहा हूँ, एकदम ठीक है. यहाँ पे तो एकदम कनेक्शन ठीक है. अच्छा पहले बताइए, आत्मा और परमात्मा में क्या रिश्ता होता है? What is the relationship? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है. नमस्कार सत्यलॉजी के सभी व्यूअर्स को. ये ऐसा विषय है जिस पर बड़े बड़े विद्वानों में भी हम देखते हैं कि बहस भी होती है और भ्रम भी होता है. उसका कारण ये है कि जो शास्त्र वचन है वो भी अगर आप सीधे गुरु के द्वारा मार्गदर्शन न लें तो इस विषय में संकेत करते हैं, उन संकेतों को लेकर भ्रम हो सकता है. जैसे सब जगह कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है. फिर शास्त्रों में मिलेगा कि आत्मा परमात्मा ही है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है. ये भी सही लगेगा, तो लगेगा कि जब आत्मा परमात्मा ही है तो दोनों में क्या भेद हो सकता है. लेकिन सत्य ये है कि दोनों में परम भेद, बहुत अधिक भेद. इस भेद को शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के शीर्ष आचार्य हैं, उन्होंने उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना है शतपदी में, शतपदी नाम से छोटी है लेकिन दर्शन की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से अद्वितीय प्रार्थना मानी जाती. उसमें उन्होंने बहुत संक्षेप में इस अंतर को बड़े सुंदरता से बताया है. उसमें क्या कहा है, सत्यपि भेदापगमे नाथ, हे नाथ, हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमेश्वर, यह सत्य है कि हम में और आप में कोई भेद नहीं है. सत्यम भेदापिगमे नाथ तवा हम न माम की नस्तम, मैं आपका हूं आप मेरे नहीं. मतलब हम आपके अंश हैं आप मेरे अंश नहीं हैं. सामुद्रो ही तरंग, लहर जो है वो समुद्र, संस्कृत का प्रयोग है, लोग संस्कृत जानते हैं वो समझ जाएंगे. लहर को सामुद्र कहा जाता है. सामुद्र यानी जो समुद्र से उत्पन्न हो या जो समुद्र का अंश हो उसे कहेंगे सामुद्र. तो कहते हैं सामुद्रो ही तरंगा, तरंग जो है वो सामुद्र है यानी समुद्र का अंश है. वचन समुद्रो न तारंगा, तरंग को सामुद्र कहा जा सकता है. तरंग समुद्र का अवयव है, अंश है, अंग है, ये सत्य है. लेकिन समुद्र को तरंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई कहे कि अगर समुद्र और तरंग एक ही है तो समुद्र को भी तरंग कह दो. तरंग को समुद्र कहते हैं कि तरंग क्या है, समुद्र का अवयव है, समुद्र का अंग है, तो समुद्र को कह दो कि ये तरंग का अवयव है. तो नहीं, समुद्र जो है वो तो तरंग का अवयव नहीं, और तरंग जो है वो समुद्र का अवयव है. तो इस प्रकार जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है, हाँ अभेद है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा का अंश नहीं. ये बहुत बड़ा भेद है, इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की आवश्यकता है. इसको तुलसीदास ने दूसरे शब्दों में कहा है. गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, जे अश्रिशा कर ही नर जल विवेक अभिमान, पर ही कल्प भरी नरक मह जीव की इस समान. वो कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य इस भ्रम में पड़ जाए कि जीव ही ईश्वर है,
तो वो कल भर नरक में रहता है, क्योंकि जीव ईश्वर के समान नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है वो भी सत्य है, और जीव ईश्वर के समकक्ष नहीं है वो भी सत्य है। तो इसलिए सुनकर लोग टकरा जाते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से आज समझेंगे। इसको गीता में, गीता को सभी उपनिषदों का सार और उपनिषदों रूपी गायों के दूध और अमृत की तरह कहा जाता है। सर्वोपनिषदों का वो तो गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतमहत। उपनिषद ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती, अमृत देती दूध रूप में, और उस उन उपनिषदों को दोहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं, और बछड़ा है पार्थ। तो गीता जो है वो अमृत है, उपनिषदों से दुहा गया अमृत। तो उसमें बहुत सरलता से कहा है क्या द्वा विमल पुरुष उदो के अक्षर ए उचर। आप लोग जो गीता पढ़ते हैं वो जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध है ये अध्याय 15 का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अध्याय 15 का श्लोक 16, 17 और 18 गीता में द्वा विमल पुरुष उदो के सरस्ताक्षर ए उच सरह सर्वाणी भूतानी भूतस्थोक्षर उच्चते उत्तम पुरुष कन्य परमात्मे तुदाहता यो लोकत्रयम अविश्य विभक्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, एक तो प्रकृति है, प्रकृति को उन्होंने क्या कहा है, मम योनिर महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम तथाम्यहम, है ना। और महद्ब्रह्म में जब भगवान गर्भ धारण कराते हैं यानी महद्ब्रह्म का प्रसव होता है, तो उसमें से प्रकृति और पुरुष दोनों निकलते हैं। तो प्रकृति जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, और ये जो पुरुष है ये महद्ब्रह्म का अंश है और ये अविनाशी है, अव्यय है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है। तो विमल पुरुषों दो के, लेकिन पुरुष दो प्रकार के, यानी जो प्रकृति है जो नश्वर संसार है जो क्षर है, एक अर्थ में वो भी पुरुष ही है, यानी ये वेदांत दर्शन होगा, यानी वो भी एक अर्थ में चेतन ही है, जो जड़ दिखता है, जड़ दिखने वाली प्रकृति भी तत्वतः चेतन ही है, क्योंकि वो चेतन का ही अंश है। विमल पुरुष के क्षरस अक्षर ए क्षर सर्वाणी भूतानी, सभी प्राणी जो हैं वो क्षर हैं, और कूटस्थोक्षर उच्चते उनके भीतर स्थित जो कूटस्थ की वात्मा है, जिसको अन्यत्र भगवान ने क्या कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से स्थिति, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर विद्यमान है। तो वो उसको कूटस्थ, उस पुरुष को व्यस्त ज्योति को अक्षर कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप है, सभी प्राणियों का शरीर आदि है वो क्षर कहलाता है, और उनके भीतर जो चिन्ह ज्योति है, सत्ता है, परमात्मा का अंश है, वो अक्षर कहलाता है। लेकिन फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, यस्मात् क्षरम अतीतो हम, थोड़ी खांसी है आज क्षमा करिएगा, मैं क्षर से परे हूं, क्षर से तो बिल्कुल परे हूं, क्योंकि क्षर तो अविनाशी है और मेरा तो कोई अविनाश, मैं क्षर तो विनाशी है और मैं तो अविनाशी हूँ। क्षर का अर्थ है जो निरंतर क्षरण हो रहा है, जिसका क्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है, खिस रहा है, खर्च हो रहा है, वो क्षर है। तो मैं तो क्षर से अतीत हूँ, जस्मा क्षरम अतीतो हम, क्षर से पूर्णतः अतीत हूँ, लेकिन अक्षर से भी मैं विशिष्ट हूं, अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदित प्रतिता पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान को क्या कहा है, पुरुषोत्तम, माने पुरुष तो सभी हैं, वो पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम भी परमेश्वर हैं। इसी को योग शास्त्र में क्या कहा है, सपूर्वेशम अपि गुरु काले नाम वच्छेदात,
तस्वाचिका प्रणवा क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर जिसको गीता में उत्तम कहा है कि अतोष में लोके वेदे च प्रचित पुरुषोत्तम यस्मात् शरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अक्षर से भी उत्तम हूं मैं। उसी को योग सूत्र क्या कहता है कि पुरुष विशेष वही बात है उत्तम विशेष पुरुष ईश्वर। इस प्रकार पुरुष यानी जीवात्मा और पुरुष विशेष यानी पुरुषोत्तम यानी परमात्मा इसमें अंतर है। इसको थोड़ा और अगर समझना चाहें तो कुछ उदाहरणों से समझेंगे। पहली बात ये कि आत्मा तो परमात्मा का अंश ही है और चूंकि आत्मा एक है कि अनेक है ये सामान्य मनुष्य गणित की भाषा में सोचता है तो वो उसी में हिसाब लगाता है, लेकिन जो चेतना है वो इनसे गणित भी तो चेतना का एक उप उत्पाद है, एक सब प्रोडक्ट है। जो मूल चेतना है वो गणित से नहीं जानी जा सकती, चेतना से गणित जानी जा सकती। तो मूल तो सब पूर्ण के अंश है तो पूर्ण का अंश भी पूर्ण होता है। इसीलिए उपनिषद क्या कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल दीजिए तो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण में पूर्ण मिला दीजिए तो भी पूर्ण ही रहेगा। तो सारी आत्माएं परमात्मा का ही अंश है और वो स्वयं है पूर्ण, ये सही है, लेकिन फिर इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो जीवात्मा है, आत्मा जो जीव के रूप में है, वो सदा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और किसी प्रकार का स्थूल शरीर इन तीनों के साथ रहती है। शरीर रहित आत्मा का अस्तित्व देखा नहीं गया है। आत्मा इस शरीर में है फिर दूसरे शरीर में जाएगी फिर तीसरे शरीर में जाएगी, गीता में उसकी प्रक्रिया भी बताया है ना, कैसे जाती है सभी बताया है ना, तो वो जाएगी। लेकिन कहा है ना मई वाणी तो जीव लोके जीव भूत सनातन मन खस्तानी विनयानी स्थानी कर सती शरीर आपनोती यच्चाप्युत कामति ईश्वर कही प्रेतानि संयाति वायुर्गंधानि वासया। जैसे कि गंध के स्थान से गंध को वायु ग्रहण करके कहीं अन्य जगह ले जाती है, उसी प्रकार देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसमें मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर नए शरीर में ले जाता है। तो वहां वो मन सहित इंद्रियां यानी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ जाता है, यानी जीवात्मा जब तक जीवात्मा में रूप में है तो वो मन सहित रहेगा, इंद्रियों सहित रहेगा, सूक्ष्म शरीर के साथ रहेगा और स्थूल शरीर के साथ रहेगा। स्थूल शरीर उसका एक छोटे कीड़े का हो सकता है, पतंग का हो सकता है, दिव्य हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, अति स्थूल हो सकता है, हिमालय हो सकता है, महाबली हनुमान जी हो सकता है, पर अगर वो देवता नहीं है मनुष्य के रूप में है तो हनुमान जी जैसा होगा पर वो मनुष्य ही होगा, है ना। देवता हो गए तो बात ही अलग है, वो तो फिर दिव्य हो गए, परमात्मा हो गए। तो उसका एक शरीर होगा अति स्थूल या पर उसका, और एक सूक्ष्म शरीर होगा, एक कारण शरीर होगा, मन होगा, इंद्रियां होंगी, ये जीवात्मा का लक्षण, इसके बिना जीवात्मा नहीं रहेगा, इसके बिना जीवात्मा कहीं देखा नहीं जाता, फिर वो परमात्मा का अंश हो जाता। बड़े बड़े योगियों ने, कुछ योगियों ने उदाहरण दिया है कि जैसे सागर है, अनंत सागर है, आनंद का सागर है, चेतना का सागर है, अंतहीन चेतना सागर है, जीव मानो उसमें मछलियां हैं। लेकिन ये समझाने के लिए दी गई उपमा है, क्योंकि जीव मछली है तो मतलब उनका शरीर है। आनंद के सागर में तो, आनंद का सागर तो मछली नहीं है, वो स्वयं में तो चेतन में सत्ता है बस। तो जीवात्मा अगर उसमें मछली की तरह है तब तक तो वो जीवात्मा है, और अगर वो उस चेतन में समाहित हो गई तो आप अलग से पहचान ही नहीं सकेंगे। तो परमात्मा से
शुद्ध आत्मा को एक क्षण भी अलग नहीं देखा जा सकता। जिस क्षण आत्मा देहादि से, इंद्रियों से, मन से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से रहित हो गई, तो फिर वो दिखेगी नहीं है अलग से अस्तित्व के रूप में। वो परम अस्तित्व का, परम सत्ता का, परम ब्रह्म का, आनंद के महासागर का, चेतना के अंतहीन समुद्र का, अनंत आकाश का अवयव हो जाएगी, आप पहचान ही नहीं सकते। इसको थोड़ा और दूसरे ढंग से अगर समझें, समझाने के लिए, कि बड़े बड़े योगी भी दूसरे के मन मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं, दूसरे के सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को देख सकते हैं। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, साधना बल से, विशेष संयम से सब पढ़ सकते हैं। लेकिन वो आत्मा को किसी की नहीं देख सकते, क्योंकि जब वो देखेंगे तो वो जीवात्मा दिखेगा, यानी मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर सहित एक जीवात्मा। उससे पृथक कोई आत्मा कभी दिखेगा नहीं, इसीलिए कोई किसी दूसरे की आत्मा नहीं देख सकता। परमात्मा को सब देख सकते हैं, यानी योगी हैं, ऋषि हैं, जो भी योगी परमात्मा को देखेंगे, जितने भी ऋषि परमात्मा को देखेंगे, जितने भी संत परमात्मा को देखेंगे, वो सब एक ही सत्ता को देखेंगे, उसमें भेद नहीं है। जो भी देख रहा है वो योगी है, ऋषि है, साधक है, सिद्ध है, संत है, महात्मा है, भगवान की कृपा प्राप्त भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, तो वो किसे देख रहा है? परमात्मा को, परम सत्ता को, चेतना के अनंत सागर को, अनंत समुद्र को। आत्मा को भी देख सकते, शुद्ध आत्मा है तो कहीं अस्तित्व में नहीं है। उस अर्थ में आत्मा जब तक जीवात्मा है तो स्थूल शरीर, अथवा न हो स्थूल शरीर तो भी दिव्य शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मन और बुद्धि के साथ ही दिखेगी, ये समझना चाहिए। इस अर्थ में जो लोग इस बारीक बात को, इस सूक्ष्मता को नहीं जानते, उनके पल्ले नहीं पड़ता कि सांख्य दर्शन तो पुरुष बहुत को बांटता है, वो तो कहता है कि अनंत आत्माएं हैं, और वेदांत कहता है कि एक ही परम सत्ता है, और इन दोनों में क्या विरोध है, इनमें तो विरोध दिखता है। जो ज्ञानी है वो सदा कहेंगे कोई विरोध नहीं है, तो सुनने वाला चकित रह जाता है। तो विरोध इसलिए नहीं है कि आत्मा जो है वो अलग से कभी देखी नहीं जा सकती। जब शुद्ध आत्मा, साधना के समय आत्मा दिखती है, तो वो बुद्धि में प्रतिसंवेदन होता है जिस चैतन्य का, उससे होता है, या फिर विशेष तपोबल से आप शुद्ध जगमत चैतन्य सत्ता को देखते हैं। तो वो चैतन्य सत्ता आपको अपने दिखती है, लेकिन वो अन्यों में भी बनी है, और इस प्रकार वो परमात्मा से अभिन्न। अन्यथा आत्मा जब तक किसी जीव के शरीर के साथ है, यानी जब तक कोई जीवात्मा है, तो उसका एक स्थूल या सूक्ष्म, भौतिक या दिव्य शरीर होगा, अंतःकरण चतुष्टय होगा, मन बुद्धि आदि होंगे, और कारण शरीर होगा। इनसे परे आत्मा होगी तो वो परमात्मा का अंश हो चुकी होगी, वो चेतना के अनंत समुद्र में, अनंत सागर में घुल चुकी होगी। रामकृष्ण परमहंस उसको बहुत सुंदर ढंग से बताते थे कि गुड़ की गली क्षीर सागर में गिर गई, जैसे ही गिरी वो उसका आविर्भाव हो गई, खुल गई, फिर उसको कोई नहीं पहचान सकता। जब तक वो गुड़ की गली है, अलग से बैठी है, क्षीर सागर के पास पहुंच गई है, उसका समाधि में साक्षात्कार किया है, उसने जान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, लेकिन अभी है, तब तक तो वो पृथक है, तब तक वो गुड़ की गली। लेकिन जैसे ही वो क्षीर सागर में गई, जैसे ही वो मधुर सागर में गई, मधुरता के, सुख के, आनंद के, चेतना के, प्रकाश के, ज्ञान के अनंत सागर में गई, तो फिर अलग कहां, उसकी कोई एक रेखा, एक रश्मि अलग से पहचान नहीं जा सकती। तो आत्मा शरीर के साथ, स्थूल शरीर हो या दिव्य शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, किसी न किसी शरीर के साथ जब तक संयुक्त रहती है, तब तक वो जीवात्मा है, उससे परे फिर वो परमात्मा का अभिन्न अंग हो जाती है। तो आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है।
कि आप परमात्मा को तो सब देख सकते हैं साधना के द्वारा, लेकिन दूसरे की आत्मा को कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो देखेगा वो तो परमात्मा का अगर वो अंश हो गया है तो फिर वो परमात्मा का ही दर्शन होगा, और जब तक नहीं हुआ है तो वो मन बुद्धि कारण के साथ एक जीव के रूप में, एक कारण शरीर के साथ, एक दिव्य शरीर के साथ, एक ज्योतिर्मय शरीर हो सकता है अगर स्थूल नहीं है तो, लेकिन किसी न किसी शरीर के साथ देखेंगे। तो आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है। आत्मा इसीलिए अनंत है क्योंकि वो जीवात्मा रूप है, क्योंकि वो प्रकृति के किसी न किसी एक रूप के साथ किसी पिंड में है, पिंड पर प्रकाशित है, पिंड को प्रकाशित कर रहे हैं, पिंड में जन्मग्न है, वो परमात्मा का ही अंश है लेकिन उस पिंड में है, और अगर पिंड से मुक्त हुई तो परमात्मा में विलीन है। इसलिए पिंड से परे आत्मा कभी नहीं दिखेगी, पिंड से परे जो दिखेगा वो परमात्मा है, पिंड से परे होते ही आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है, आत्मा परमात्मा के अनंत सागर का अंग हो जाती है, आत्मा चेतना के अनंत समुद्र का अंग हो जाती है। इसलिए अब जो लोग इन सब बारीकियों को नहीं जानते, जिन्होंने साधना नहीं की है, उनको तो लगता है अरे आत्मा परमात्मा एक ही है, वो लोग ना परमात्मा को जानते ना आत्मा को जानते, उनके लिए आत्मा और परमात्मा शब्द है, आत्मा परमात्मा उनके लिए ये शब्द है, लेकिन जो साधक हैं वो तो इन दोनों का अंतर जानते हैं। सबसे बड़े साधक तो भक्त होते हैं, और भक्त इसीलिए सदा एक तरह के द्वैत भाव में रहते हैं भक्त के रूप में, अद्वैत का ज्ञान होते हुए भी, क्योंकि अगर द्वैत भाव नहीं है, अगर परमात्मा अपने से अलग नहीं दिखते तो भक्ति कैसे होगी। तो इसीलिए सभी भक्त जो है वो परमात्मा को जीवात्मा नहीं मानते, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न, और ज्ञानी भी क्या कहते हैं, परमात्मा आत्मा से अभिन्न है, फिर भी आत्मा जैसा मैंने कहा ना शंकराचार्य का सत्यम भेदाप गमेनाथ तवाहम नमाम की नत्तम, हे नाथ हम में और आप में कोई भेद नहीं है, पर भेद यही है अगले ही क्षण कह दिया तवाहम, मैं आपका हूं आप मेरे नहीं, मैं आपके अधीन हूं आप मेरे हैं, इस अर्थ में कि आप मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सर्वस्व हैं, भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम ये तब उत्तम, लेकिन आप मेरे नहीं हैं। अर्जुन कृष्ण को नहीं चला सकता, अर्जुन कृष्ण से कुछ भी करा सकता है मांग के भक्त के मचल के, लेकिन वो करेंगे कृष्ण, अर्जुन को तो कृष्ण की आज्ञा माननी होगी, कृष्ण अर्जुन की आज्ञा नहीं मानेंगे, अगर माने कोई बात तो अनुग्रह होगा। तो ये आत्मा और परमात्मा में स्पष्ट भेद है, और कभी भी आत्मा को ही परमात्मा नहीं मान लेना चाहिए। जी एक्चुअली जो हमारे जो जितने भी भक्ति मतलब भक्त होते हैं या जो परंपराएं होती हैं बोलती हैं कि गुण में आत्मा परमात्मा एक है, गुणों में, क्योंकि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा दोनों ब्रह्म है, लेकिन भगवान जो है असीमित है, मतलब परमात्मा असीमित है, वो सभी प्राणियों में भी रहती है, हर जगह रहती है भगवान की, और आत्मा एक ही शरीर में रह सकती है, ये फर्क है दोनों में। जैसे भगवान कृष्ण भी बोलते हैं चौथे चैप्टर में बताते हैं कि मुझे पास प्रेजेंट और फ्यूचर सबका ज्ञान रहता है, लेकिन तुमको नहीं रह सकता, तुमको सिर्फ एक ही जन्म का ज्ञान रहता है, वो भी जब भी तुम्हारा शरीर मिलता है तुमको तो भूल जाते हो पिछला जन्म, लेकिन मैं कभी भूलता नहीं हूँ अपने कोई भी पिछले जन्म बोलते हैं मैं किसी भी पिछले जन्म को भूलता नहीं हूँ, पिछले कर्म को भी नहीं भूलता हूँ, वो बोलते हैं वो एक तरीके से आत्मा परमात्मा का ही अंतर बता रहे हैं गीता में, चौथे चैप्टर में लोग पढ़ सकते हैं उसको। और दूसरा मुझे वो एक बड़ा अच्छा श्लोक लगता है सेकंड चैप्टर का, न तो एव अहम जातुनासम न तुम नेम जनादिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम, भगवान कृष्ण वही कहते हैं ना, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाद्यनुतानि हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परम तप, करेक्ट, तू नर है नारायण का सखा है लेकिन तू सब नहीं जानता, सब नहीं जानता, ये आत्मा और परमात्मा का भेद है, बहुत भयंकर भेद है वो। और बाद में जो श्लोक आता है अंत की तरफ आता है जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, मतलब ब्रह्म भूत आत्मा है, ब्रह्म भूत वो प्रसन्न रहती है हमेशा, मतलब जब हमने
आत्मा जब अपने स्वरूप को जान लेती है तो प्रसन्न हो जाती है वो, फिर उसको सारे कर्मों का भेद खत्म हो जाता है आत्मा का। एक प्रश्न उठता है, कर्म को कौन भोग, कर्म को कौन भोग, कर्म कौन भोगता है? आपने विषय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कर दिया। असल में दो दो प्रकार से है, जब तक आत्मा जीवात्मा है तब तो उसे कह देते हैं गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत, सब है उपष्टान मनता क्या भरता भोक्ता महेश्वरा। तो एक अर्थ में वो सही है, इस अर्थ में कि मैं अध्यक्ष प्रति सुनते सचराचरम, यानी अध्यक्ष कौन है इस जगत का, तो जीव का भी अध्यक्ष कौन है, ये जो जैविक सत्ता है इसका भी अध्यक्ष उसकी आत्मा है। तो एक अर्थ में उपाधि रूप में उसे कहेंगे कि वही भोगता है, क्योंकि अगर वही नहीं रहे तो शरीर कुछ नहीं करे। लेकिन परिवर्तन सुख के दुख के आशा के निराशा के ये सब किसमें होते हैं, तो ये मन और बुद्धि में होते हैं। तो तत्वता है तो सुख और दुख, पुण्य और पाप, सफलता और असफलता, ये सब कौन भोगता है, ये सब मन और बुद्धि भोगते हैं, और इंद्रियों पर भी उनका असर पड़ता है, देह पर भी। लेकिन क्योंकि वो आत्मा की अध्यक्षता में होता है तो उसे कह दिया गया है कि दृष्टान मनता क्या भरता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मे की क्या तृप्तो तेजस्विन पुरुष परा। जिस देह में जो पुरुष है वो सबसे पहले उपदृष्टा है, यानी वास्तव में जो सुख और दुख होते हैं, जो विकार होते हैं, जो पश्चाताप होता है, जो पाप होता है, जो लालसा होती, सबका वो उपदृष्टा है। इसके साथ कहीं ना कहीं अगर आत्मा अनुमति ही नहीं दे पूरी तरह और आत्मा जागृत है तो आप कुछ हिल नहीं सकते। इस विषय में योग सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अभिनिवेश कहते हैं, स्वरसवाही विदुषो की तथा रूढ़ो अभिनिवेश, जो स्वतः ही प्रवाहित है प्रत्येक जीवात्मा के भीतर से अभिनिवेश कहते हैं। और उसे कहा है कि वो निरंतर आशीर्वाद देता है, तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, यानी आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक आपकी आत्मा आपको आशीष देती है। जिस क्षण आत्मा ने आशीष, सबसे पहले जो भी सत्ता है, जो भी व्यक्ति है, ईश्वर है, उसके भीतर वो आशीर्वाद दे रहा है, तभी तक वो है। आत्मा के आशीर्वाद के बिना ये शरीर नहीं बच सकता, आत्मा के आशीर्वाद के बिना व्यक्ति की सत्ता नहीं बच सकती, है ना। इसीलिए कहा है तासाम अनादित्वम चाशिषो नित्यत्वात्, कर्माशय का जो अनादित्व है वो भी आत्मा के आशीष की नित्यता से है। जब आशीष की नित्यता बंद हो जाती है तो कर्माशय क्षीण होने लगते हैं। तो एक अर्थ में सारे ही सुख दुख इंद्रियां मन और बुद्धि भोगते हैं, लेकिन किसकी अध्यक्षता में, जीवात्मा की अध्यक्षता में, जीवात्मा की उपस्थिति में, जीवात्मा उनका उपदृष्टा है और अनुमंता भी है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा योगी है, सन्यासी है, तो उसको कितना भी दुख आए वो अनुमति नहीं देगा अपनी बुद्धि को कि उस दुख को स्पर्श करने दो। गीता क्या कहती है कि यस्मिन स्थो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते, जो वास्तव में ब्राह्मण स्थिति में है, यस्मिन स्थो न दुखेन गुरुणापि, गुरु से गुरु गुरुतर दुख महादुख भयंकर दुख से भी जो विचलित नहीं होता ऐसा वो होता है। तो अनुमति होती है आत्मा की, आत्मा अनुमति देती है अपने मन और बुद्धि को कि चलो जाओ तुम आनंद ले लो। एक अर्थ में मन और बुद्धि भी आत्मा के बच्चे हुए, खिलवाड़ है। आत्मा कहती है अच्छा तुमने अभी सत्य को नहीं जाना है, तुमने अभी ब्रह्म को नहीं जाना है, तुमने अभी अपने मूल स्वरूप को नहीं जाना है, तुम अभी परमात्मा पर ध्यान भी नहीं रखते, तुम ही इंद्रियों में रख लेते, जाओ थोड़ी देर खेल कूद। जैसे माँ कहती है जाओ फूल में खेल आओ, खेल के आना फिर हम हिला जुला देंगे। तो अनुमति तो देती, आत्मा की अनुमति के बिना आपको पता नहीं चलता। अगर आप इतने सजग हो गए कि आप देख सकें कि आत्मा की अनुमति दे रहे हैं तब तो आप योगी हो गए, वो तो कोई बहुत उन्नत चित्त में देख पाएगा। लेकिन सामान्यतः है लोग नहीं देख पाते, लेकिन उनको जानना चाहिए, ये शास्त्रों में रहस्य बताया है कि आपकी आत्मा कहीं अनुमति देती है,
आपके मन और बुद्धि को, क्योंकि अंत में वो परमात्मा है ना, तो सबसे अच्छा इसके संस्कार है। संध्या बच्चे खेल ले या ये आनंद ले लीजिए, तुझे काम वो काम भावना पता नहीं क्या करे, देख ले कितना मजा है, फिर इसका जो परिणाम है वो भी भोग लेना, ज्यादा भोग की लालसा पता नहीं, जा करके देख ले फिर पता चलेगा। तो हनुमंता उत्कृष्टानुमंता क्या भरता, सबका भरण पोषण कौन करता है, मन का बुद्धि का पोषण तभी तक है जब तक जीवात्मा उसके संयुक्त है, हमेशा वो नष्ट हो जाएंगे, फिर वो तो नाश हो जाएंगे और जला दिए जाएंगे या करा दिए जाएंगे। तो वो भरता भी है भूखता भी है, एक अर्थ में कि वो अध्यक्ष है। जैसे घर का मालिक अनुमति देगा तभी घर के लोग विविध कार्य करते हैं, तो एक अर्थ में कह देंगे कि सब वही कर रहे हैं, लेकिन एक अर्थ में हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, एक ऑफिस जा रहा है, एक खाना पका रहा है, खेलने चला गया है। तो इस प्रकार सुख दुख वास्तव में मन बुद्धि और इंद्रियों को होता है, लेकिन क्योंकि आत्मा की अध्यक्षता में होता है तो उसे कह दिया जाता है कि आत्मा होता है। ये आपका प्रश्न था, इसका उत्तर मैंने दे दिया। आपने सही बताया कि आपके हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख का निवारण कर, हमारे कर्म ही सुख दुख का डिसीजन का मतलब का बेसिस रहते हैं। एक अच्छा, एक भागवत पुराण में एक श्लोक आता है जिसको मैं बहुत बार कोट भी करता हूँ। कर्म नेत्रेण जंतुर देहो उपपत्ते श्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसो रेतक अनाश्रय। बड़ा इंपॉर्टेंट है कर्मणा देव नेत्रेण। तो अभी इसमें हो रहा है आपके कर्म और देव नेत्रण, मतलब जो देव है, देव जो है विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, देव नेत्रण। तो कभी कभी चित्रगुप्त को भी बोलते हैं क्योंकि चित्रगुप्त हमेशा ब्रह्मा जी के लिए कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं, तो वो हमारे कर्मों को देखते रहते हैं। तो कर्मणा देव नेत्र देहु जंतुर उपपद्यते, तो मतलब जंतु जो है, जो जीव है, जंतु भी उसको बोला जाता है, जंतु को जीव के शरीर में भेज दिया जाता है उसे कर्म और देव नेत्र की वजह से, देव के सुपरविजन की वजह से। जब देव कर्मणा जब उसको भेजा जाता है देन ही इज पुट इनटू द किसी के उदर में डाल दिया जाता है, किसी माता के उदर में, और फिर अपने कर्मों को वापस वो भोगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा कभी भी मतलब आत्मा किसी के नेत्रणे में है, नेत्र किसी के सुपरविजन में है, आत्मा इंडिपेंडेंट नहीं है, और बाद में उसके कर्म ही डिसाइड करते हैं उसका फ्यूचर क्या है। तो आत्मा और परमात्मा में तो बड़ा फर्क हो गया फिर ये। इसीलिए कहा है ना, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरा मुस्ता पुरुष विशेष ईश्वर। परमात्मा कभी भी क्लेश में नहीं फंसा, कभी किसी कर्म को नहीं किया, कभी विषय से स्पर्श नहीं हुआ, और जीवात्मा वाला जो है उसको क्लेश भी फंसता है, मोह राग द्वेष आदि, और वो कर्म करता है और उनसे उसका स्पर्श होता है, यह अंतर। एक मुझे एक और बात बताइए कि जैसे जब लोगों को स्वर्ग या नरक मिलता है, स्वर्ग या नरक वो भी देव नेत्रण में ही मिल रहा है, देव नेत्रण में ही, देव के सुपरविजन में ही मिल रहा है, तो कौन स्वर्ग जाता है कौन नरक जाता है, आत्मा जाती है, सशरीर जाती है, सूक्ष्म शरीर जाता है, कौन जाता है? बताया ना, आत्मा को स्वर्ग नहीं होता है ना, विषय में शंकराचार्य का श्लोक सबसे स्पष्ट है, बाकी लोगों ने भी वही दिखाया है। परमार्थता ये सत्य है कि न कोई बंधन में बंधता, न वो मुक्त होता, न किसी को नरक होता, न किसी को स्वर्ग होता आत्मा के स्तर पर। लेकिन स्वर्ग नरक ये सब पूर्ण सत्य है। आपने यदि पुण्य कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, पाप कर्म किए हैं तो नरक में जाएंगे, तो कौन जाएगा? आत्मा नहीं जाती, जीव जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संयुक्त जीव। आत्मा वहां भी उपदृष्टा रहती है, देखती रहती है, और एक तरह से आत्मा मजे भी लेती है कि बेटे जब हम चेतावनी दे रहे थे कि तुम पाप मत करो तो तुम पाप में फंस गए, क्योंकि आत्मा सदा संकेत देती है पाप करते समय जीव को, अगर थोड़ा भी वो स्वस्थ है, बहुत तामसी जीव नहीं है, तो आत्मा
संकेत देती है कि गलत काम है मत करो, तो फिर आत्मा वहां आनंद लेती है, जरा मजे ले लो ताकि आगे तुम ठीक से वो करो, इन पापों से मुक्त रहो, या उनको पुण्य का स्वर्ग मिल रहा है तो उसको आशीर्वाद देती है कि ठीक है पुण्य किया है स्वर्ग भोग लो, इसके बाद इसका फल पूरा हो जाएगा तो फिर आगे यात्रा करनी। तो आत्मा को न तो कोई स्वर्ग होता न नरक होता, लेकिन आत्मा वहां जीव में उपस्थित तो रहती है ना, तो उस अर्थ में कहा जा सकता है कि आत्मा को भी होता है, क्योंकि उसको केवल रिसर्च में नहीं कहा जाएगा कि उसको दुख नहीं, स्वर्ग का कोई सुख आत्मा को नहीं होता क्योंकि वो तो परम आनंद में है, परम चैतन्य में सकता है, और नरक का कोई दुख आत्मा को नहीं होता क्योंकि उसे तो जैसे यहाँ कहते हैं नचैनम नैनम छिन्नंति शस्त्राणि नैनम धातु पाव का नचैनम क्लेदयन चापो न सोचा कि मालता, तो नरक में भी क्या होगा, आपको मारा जाएगा या काटा जाएगा या भिगोया जाएगा या जलाया जाएगा, वो आत्मा तो उससे प्रभावित रहती है, तो आत्मा हम सबको देखती रहती है। पर पीड़ा पीड़ा जीव को होती है, उपद्रष्टा तो आपने कोट किया था, आपने कोट किया था उपद्रष्टा तो मनता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, ये चापे परमात्मा चापे उक्तो देहस्मिन पुरुषम परा, तो इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा उपद्रष्टा तो मनता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा जस देख रही है परमात्मा तो, लेकिन दुख तो अभी जो जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव बोलेंगे कि वो अपने सूक्ष्म शरीर में बद्ध है, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा बद्ध है, तो पेन जीव को ही हो रहा है क्योंकि, लेकिन वो उसको लग रहा है कि वो शरीर है उसका मन बुद्धि अहंकार का, तो सारा दुख मन बुद्धि अहंकार पर ही होता है, नहीं सारा तो मन बुद्धि और अहंकार को हो रहा है, जीव जीवात्मा को कुछ नहीं हो रहा है, नहीं लेकिन जीवात्मा उससे अपने को एक आकार करके देख रहा है, बट मेरा मन ये कष्ट हो रहा है, मन बुद्धि अहंकार तो कवरिंग है ना, जीव के लिए कवरिंग है मन बुद्धि अहंकार, तो कवरिंग है, तो लेकिन दुख तो जीव को ही हो रहा है अल्टीमेटली, जीव को ऐसा लग रहा है कि वही मन है वही बुद्धि है वही अहंकार है, तो जो जिससे अपना तो होगा वही आपको अनुभव होगा। भाई गली में बहुत से लड़के गिर जाते हैं और सामान्य व्यक्ति चलता रहता है, और जिसका बच्चा गिरा है वो लपक के उठाता है तो उसको अपना मानता है, या पड़ोसी का भी है तो अगर संवेदनशील है तो उठाएगा, तो इसी प्रकार जो जिस शरीर में ममत्व है, जिस मन और बुद्धि में ममत्व है, उसके कष्ट पीड़ा देंगे। तो फिर इसमें फिर तीसरा चैप्टर का आखिरी श्लोक जो है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समसव्यात्मानम आत्मना, भगवान बोल रहे हैं कि काम रूप जरासदम, जो काम जय शत्रु महाबाहो काम रूपम जरासदम, जो काम जो ये जो काम रूपी जो जो दुरासद है उसको ओवरकम करने के लिए आपको एवं बुद्धे अपनी बुद्धि के द्वारा मन अहंकार उस पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, बोल रहे, और वही वही पे योग सूत्र भी आ जाता है ना, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। तो पूरा विश्लेषण है, इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्मतर है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे आत्मा है, तो इसीलिए कहा है कि अगर तुम ये ध्यान रखोगे तो आत्मा के द्वारा तुम सदा बुद्धि तुम्हारी जागृत रहेगी, और बुद्धि के द्वारा तुम मन और इंद्रियों पर संयम रखोगे तब काम को मार सकते हो, अन्यथा भागवत में ही सबसे ज्यादा कहा है कि यद पृथिव्याम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशुस्त्रिय न दुह्यन्ति मनस्प्रीतिम पुंसाम काम हतत्वई, कामहत पुरुष के एक अकेले कामहत पुरुष के मन को इस संसार भर की स्त्रियां भोग विलास कोई तृप्त नहीं कर सकते, तो तृप्त तुम तभी होगे जब बुद्धि से नियंत्रण रहेगा, बुद्धि का मन पर मन का इंद्रियों पर, है ना, वही कहा है जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, नहीं तो कहा है ना कि हविषा वर्त हविषा कृष्ण वर्त में हुई एवा भी वर्तते न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति, है ना, कामनाएं उपभोग से शांत नहीं होती, बल्कि जैसे यज्ञ में हवन सामग्री डाले जाओ, न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में वो भूय एवा भी वर्धते, वो और बढ़ती,
इंद्रिय लालसा या भोग की लालसा निरंतर बढ़ती जाती है, तो वो तभी होता है जब आप बुद्धि को माने आत्मा का स्मरण रखते हैं और बुद्धि का मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं एवं बुद्धे, मतलब इसलिए अपने आप को बुद्धि से भी ऊपर मानो और फिर बुद्धि से ऊपर मान के बुद्धि को स्तब्ध करो और फिर उसके बाद बुद्धि को स्तब्ध करके फिर अपनी इंद्रियों पे और मन पे विजय प्राप्त करो, उससे काम में विजय आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है फिर इसी आत्मा परमात्मा के विषय में, फिर मुक्ति को बोलेंगे, मुक्ति कौन है, मुक्ति क्या है फिर? अभी हमने सुना नहीं आपका अंतिम वाक्य। मैं फिर इन दोनों ही विषय से जुड़ा हुआ है, मुक्ति को, मुक्ति की परिभाषा फिर क्या हुई, मुक्ति की परिभाषा मुक्ति फिर मुक्ति किसी को बोला जाएगा, मुक्ति क्या किसी को बोला जाए, मुक्ति 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 जो है मैंने शंकराचार्य का श्लोक कहा न मुक्षुर न वही मुक्त, वस्तुतः मुक्त कुछ नहीं होना, स्वरूप का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं मुक्ति है। अपने कैमरे आत्मा का ज्ञान ही मुक्त है। आप कैमरे के बीच में आइए, कैमरे के बीच में आइए, आप कैमरे से पीछे हट गए, साइड में चला गया। यस आप बोले आत्मा का आत्म स्वरूप का ज्ञान ही मुक्ति है। योग सूत्र कहता है दृष्टा दृश्य मात्र तदर्थ दृश्य आत्मा, तो जो दृष्टा है वो केवल दृश्य है, है ना, और ये जो समस्त दृश्य है जगत का वो उसके लिए ही है। तो मुक्त किसी दृष्टा को ही जान लेना है कि मैं दृष्टा हूं और ये दृश्य है जिसे मैं देख रहा हूं। जब दृष्टा स्वयं को दृश्य से अलग देख लेता है साधना के द्वारा, तो वो मुक्ति है। मुक्ति कोई अलग चीज नहीं है, मुक्ति है दृश्य के वास्तविक स्वरूप को जान लेना, ये है दृश्य और मैं हूं दृष्टा। किसी ने कहा है दृक् दर्शन शक्ति हो एकात्मता एवं आत्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को एक करके देखना सामान्यतः स्वभाव है, इसी को आत्मिता कहते हैं। मतलब हम जगत को देख रहे हैं तो हमारी देखने की शक्ति है और ये देखने की शक्ति जो कुछ देख रही है दोनों को मिलाकर जब हम समझते हैं कि हम यही देख रहे हैं तो वो अस्मिता है। और जब ये पता चल जाता है कि हम ये देखने की शक्ति से देख रहे हैं और हम इससे अलग हैं, दृष्टा शुद्ध है, शुद्धों की प्रत्यानुपस्या, दृष्टा शुद्ध है और प्रत्ययों के द्वारा देख रहा है, तो वो मुक्त है। एक्चुअली जो है इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बीच में हमें सुनाई कम पड़ता है आज खांसी के कारण, अब आप इसको समझिए आज। हाँ एक्चुअली क्या है कि आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा फिर वो सुनाई देगा, हेडफोन से हेडफोन अभी लगा के देखें, चेक कर लीजिए, डर है कि कहीं आवाज बंद ना हो जाए। अच्छा देखते मैं तब तक दर्शकों को बोलता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आपके लिए, ये जब तक आपको ये विषय समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल वर्ड आध्यात्मिकता नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल वर्ड होता है योग। योग आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आत्मा और परमात्मा का विषय समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अपने आप को आईने में मिरर में हम लोग अपने आप को नहीं देखते, हम लोग अपने शरीर को देखते हैं और जो देख रहा है वही आत्मा है। तो जो देख रहा है उसके विषय में कोई हम भोजन की तैयारी करते ही नहीं है, हम अपने शरीर के भोजन की तैयारी करते हैं किस तरह हेल्दी बने किस तरह, और वही समाज में मुख्य प्रॉब्लम है क्योंकि हर कोई सोचता है कि मेरा स्वार्थ मेरा अर्थ मेरा पर्पस दूसरे से बड़ा है और यही समाज में विघटन लाता है। और पूरे मनुष्य समाज की बात हो रही है और जो भी हिंसक प्रवृत्ति है वो इसी तरह से आती है कि मैं स्वस्थ रहूं दूसरे लोग का हनन हो दूसरे लोग मरे, एंड यही प्रॉब्लम आती है। इसीलिए योग इज द बेस्ट वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी, उसके अलावा कोई शब्द नहीं हो सकता, क्योंकि योग शब्द में सब कुछ समाहित है, आत्मा परमात्मा के जो का जो रिलेशनशिप है रिश्ता है दैट इट सेल्फ इज नोन एज सनातन। लेकिन इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए
कि सनातन की जब हम बात करते हैं तो वो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, वो तो कभी टूटता नहीं है किसी भी धर्म में। सब लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, परमात्मा आपके साथ हमेशा रहेंगे। उत्कृष्टा तुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा चापी देह पुरुषम परा। तो आपके शरीर में दो पुरुष है, एक पुरुष नहीं है, तो वो तो रिश्ता हमेशा ही रहता है। इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि इस तरह से अगर हम सनातन को डिस्क्राइब करते हैं तो सनातन क्या हुआ फिर? सनातन तो हुआ जो सर्वव्यापी सत्ता है, जिसके बनाए गए नियम है, जिसको वेदों में कहा है कि यज्ञेन यज्ञ अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, उससे प्रथम धर्म उत्पन्न हुए। वो प्रथम धर्म उन्हीं को सनत धर्म या संता धर्माणि कहा गया है। वो सनातन धर्म है सत्य रित यज्ञ और तप। तो ये जो सत्य रित यज्ञ और तप के नियमों को जानना, इनके शास्त्रों को जानना, वही सनातन का ज्ञान है। और ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है। संपूर्ण सृष्टि को सनातन ही अनुशासित रखता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालन सनातन के नियमों से ही होता है। जो उसको जान लेता है वो सुखी होता है, क्योंकि वो सामंजस्य करता है, हार्मनी में रहता है, आनंद में रहता है। और जो इसको नहीं जानता वो लगातार इसको बाधित करता है, तो दुख में रहता है। सनातन है सृष्टि के सार्वभौम नियमों को जानना, वही सनातन है। जो है सत्य रित यज्ञ और तप, फिर उसके और अंग है अहिंसा आदि, लेकिन मूल है सत्य यज्ञ रित और तप और धर्म। इनको जो उन्हीं का है यम और नियम। तो जो यम और नियम है ना, पांच यम है, सत्य अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच यम है। ये कहा है कि सार्वभौम महाव्रता, ये सदा ही सार्वभौम रूप से सबके द्वारा पालनीय है। और शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। तो जो यम और नियम का पालन करते हुए आप सनातन धर्म का पालन करते रह सकते हैं, कहीं भी हो आप, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, भारत में, यही सनातन। आज इतनी तबीयत आपकी खराब है, अभी आप ठीक, अभी ठीक भी नहीं हुए हैं, लेकिन आप शो पे आए आज और आपकी इच्छा से ही आए। मैं तो चाहता था कि आप थोड़ा और विश्राम करें, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और जगन्नाथ जी आपकी सेहत को तुरंत अच्छा करें। फॉर द व्यूअर्स मैं बोलूंगा कि आप लोग गीता और योग सूत्र दोनों को पढ़ें। योग सूत्र पढ़ने से आप गीता को अपने जीवन में लाना सीख जाएंगे, भगवत गीता को जीवन, क्योंकि पतंजलि ने जो योग सूत्र बताया है आपको ऐसा लगेगा कि भगवान कृष्ण ही वहां से बात कर रहे हैं आपसे। ईश्वर प्रणिधान जब बात करते हैं तो पतंजलि एक तरीके से आपके लिए योग कंप्लीटली स्थापित कर देते हैं। मैं मेरे को ऐसा लगता है पतंजलि से बड़ा कोई गीता का प्रचारक नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। उन्होंने हर जीव के लिए, मनुष्य के लिए गीता को किस तरह अपने जीवन में डाले उसको उन्होंने स्थिर कर दिया। और उसमें उन्होंने पूरा भागवत पुराण, उद्धव गीता सबके विवरण लेकर आ गए। उद्धव गीता को भी लेकर आ गए, योग सूत्र में उद्धव गीता भी है, विभूति पाद में या कैवल्य पाद में विभूति उद्धव गीता के भी अंश है। तो इसलिए योग सूत्र बिल्कुल कंप्लीट बुक है, उसको आप पालन करें। और योग सूत्र में आसनों के बारे में इतना लिखा नहीं हुआ है, वो बाद में ऋषि मुनियों ने ऐड किया है आसनों के बारे में, तरह तरह के जो आसन है। तो योग सूत्र में कभी कभी आपको लगेगा कि उसमें आसन नहीं है, तो वो दूसरे ऋषियों ने किया है। उस पर भी हम कभी हम और बात कर सकते हैं कि कौन से ऋषि हैं जिन्होंने आसन इंट्रोड्यूस किए, सारे धनुरासन और ये सब जो आसन है इंट्रोड्यूस किए। सो थैंक यू वेरी मच रामेश्वर जी, और सभी दर्शकों का भी जो इनकी प्लेलिस्ट सुनते हैं। आप देखिएगा सारे लेक्चर्स जो है रामेश्वर जी के, अभी और भी आने वाले हैं। प्लान हमारा है 3000 लेक्चर्स का, तो देखते हैं कितने हम लोग कंप्लीट करते हैं 3000 में से अगले 2-3 साल में। वहां पे आप सुन सकते हैं उनको, सारे उनके विषय जो सुन सकते हैं, और उनको आप फॉलो करिए फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी है वो, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और सभी दर्शकों का भी ध्यान से सुने, इस पॉडकास्ट को बार बार सुने। ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, इसपे हम लोग आत्मा परमात्मा और सनातन तीनों के विषयों को एक तरीके से लेकर आए हैं, और कर्म के भी विषय को थोड़ा बहुत लेकर आए हैं, और कर्म पे हम लोग अभी और बात करेंगे डिटेल में। तो कर्म के रिजल्ट्स अलग होते हैं, कर्म अलग होता है, कर्म अकर्म विकर्म वो अलग होता है।
So thank you all very much. Namaste. Jai Jagannath, and see you in the next show. Jai Jagannath. Jai Jagannath.